नमस्कार भारत, मैं विकी और आप देख रहे हैं ओएमएच न्यूज। आज मैं आप सभी के सामने फिर एक सच लेकर आया, जहां मैं आपको एक राजनीतिक पार्टी के गठबंधन की चाल के बारे में बताऊंगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मायावती और मुलायम सिंह ने गठबंधन कर लिया है। इस गठबंधन के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन इस गठबंधन के पीछे की राजनीति कैसी है वो मैं आपको आज बताता हूँ। जहां कई दिग्गज पार्टियां उत्तर प्रदेश के वाराणसी से मोदी के खिलाफ अपना प्रत्याशी उतारने में लगे हुए हैं, वहीं कुछ तो ऐसे भी हैं जो बार बार अपने प्रत्याशियों को बदलने की जरूरत कर रहे हैं। जिस प्रकार पहले मायावती और मुलायम सिंह ने अपना प्रत्याशी शालिनी यादव को नियुक्त किया था, वहीं अब उन्होंने अपने प्रत्याशी को बदलकर उसकी जगह तेज बहादुर यादव को नियुक्त किया है। कहीं इसकी वजह यह तो नहीं कि उन्होंने अपने पार्टी के हार के डर से दूसरे निर्दलीय उम्मीदवार को अपने पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मायावती और मुलायम ने वाराणसी से पहले शालिनी यादव को अपना उम्मीदवार बनाया था, वहीं अब उन्होंने तेज बहादुर यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तेज बहादुर यादव एक बर्खास्त फौजी ऑफिसर हैं। उनके ऊपर कई सारे विवाद भी चल रहे हैं। आपको याद ही होगा कि कुछ साल पहले तेज बहादुर यादव का एक वीडियो खूब वायरल हुआ था, जहां उन्होंने फौज के खाने पर सवाल उठाए थे, उसकी निंदा भी की थी। हालांकि इसमें उन्होंने सरकार पर तो आरोप नहीं लगाया था, परंतु फौज के उच्च अधिकारियों के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा था कि वह फौज का खाना गमन कर लेते हैं, फौज को उचित पर्याप्त आहार नहीं मिलने देते। इस प्रकार की बात पर पुष्टि न हो पाने के कारण तेज बहादुर को सेना ने बर्खास्त कर दिया था। हालांकि इसके पश्चात तेज बहादुर यादव ने लोकसभा चुनाव 2019 में अखिलेश यादव से टिकट मांगने की गुजारिश भी की थी, चुनाव में खड़ा होने की अपनी मंशा दिखाई थी, परंतु अखिलेश यादव ने उस वक्त उन्हें टिकट नहीं दिया, जिसके बाद उन्होंने खुद ही निर्दलीय उम्मीदवार होकर वाराणसी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली। अभी हाल ही में यह खबर आई है कि पुनः एक बार फिर से अखिलेश यादव ने शालिनी यादव को वाराणसी की उम्मीदवारिता से हटाकर वहां की उम्मीदवारिता तेज बहादुर यादव को सौंप दी है। अब इसके पीछे क्या कारण है, या तो समय बताएगा या चुनावी परिणाम बताएगा, लेकिन इतनी तो मनसा तय है कि वह अपनी पार्टी की शालिनी यादव को हारता नहीं देखना चाहते। अगर आपके विपक्ष में मोदी जैसी लहर हो तो अपने पार्टी की इज्जत का डर किसे नहीं होगा। जहां तेज बहादुर यादव ने एक रिपोर्टर को इंटरव्यू के दौरान कहा कि उनका मुद्दा नौजवान, किसान और युवाओं की नौकरियां हैं, अब समाज को पहचानना होगा कि असली चौकीदार कौन है। तो तेज बहादुर यादव जी, आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें, जिस प्रकार हर शस्त्र उठाने वाला योद्धा नहीं होता, उसी प्रकार आप जैसा बर्खास्त फौजी अपने आप को फौज से जुड़ा हुआ कैसे कह सकता है। या तो हमारे लिए शर्मनाक की बात है कि अगर आप जैसा बर्खास्त फौजी अपने आप को फौजी बताकर जनता की सहानुभूति ले, जनता के साथ राजनीति खेले। चौकीदार तो वह होता है जो समाज को संपूर्णता दिलाए, समाज के जरूरतमंदों का पोषण करे, समाज को उचित मार्गदर्शन दे, युवाओं के विकास में अपना योगदान दे, और हम सभी जानते हैं कि युवाओं के विकास में अपना योगदान देना, समाज के जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी करना सिर्फ एक ही सरकार कर रही है, और वह है मोदी सरकार। जिस प्रकार पिछले लोकसभा चुनाव 2014 में मोदी के विरुद्ध में खड़े सभी प्रत्याशियों को मुंह की खानी पड़ी थी, उसी प्रकार हमें लगता है इस वर्ष भी लोकसभा चुनाव 2019 में सभी मोदी विरोधियों को मुंह की खानी पड़ेगी। जहां पिछले वर्ष अरविंद केजरीवाल मोदी से लगभग 3,71,784 वोटों से हारे थे, वहीं अर्जुन राय को सिर्फ 71,000 वोट मिले थे, जिस कारण से उनकी जमानत भी जब्त हो गई थी। अब यह तो वक्त ही बताएगा कि अखिलेश, मायावती और मुलायम के तेज बहादुर यादव को चुनाव में उतारने की क्या मंशा है। कहीं इसके पीछे डर या कोई अन्य राजनीति का मुद्दा तो नहीं, कहीं वह ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं कि एक बर्खास्त फौजी की अहमियत लेकर वह उसे चुनाव जिता देंगे। परंतु मोदी की लहर को रोक पाना इतना आसान नहीं,
इस लहर को रोकने में बड़े से बड़े नेता बह सकते हैं। अब यह तो वक्त ही बताएगा कि लोकसभा चुनाव 2019 में 19 मई को होने वाले वाराणसी के चुनाव में कौन विजयी होगा। इसका फैसला तो 23 मई को होगा, परंतु तब तक बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे OMH न्यूज। मैं विकी हमेशा ऐसे ही नेताओं के पीछे की राजनीति आपको बताता रहूंगा, जहां हम सच और झूठ से आपको रूबरू कराते रहेंगे। तो मैं अब आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। अगर अब तक आपने YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। फेसबुक पर हमारी और भी वीडियोस देखते रहने के लिए पहले हमारे पेज को लाइक करें और फॉलोइंग में जाकर सी फर्स्ट करें।